नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हमारी चर्चा यहाँ पर मई के महीनों की ग्रह स्थिति व उसके प्रभावों पर चल रही है। आज हम वृष लग्न के जातकों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वृष लग्न वालों की कुंडली में शनि उनके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव का स्वामी नवम में ही है। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आपके समाज में मान व प्रतिष्ठा होगी। आप धर्म की राह पर चलेंगे। शनि आपकी कुंडली में केंद्र व त्रिकोण के स्वामी होने के कारण योग कारक ग्रह भी हैं। आप बहुत मेहनती इंसान होंगे। इस समय में आप समाज कल्याण के कार्य भी करेंगे। इस महीने गुरु भी शनि के साथ मकर राशि में ही हैं और स्वग्रही शनि के साथ नीचभंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। शनि और गुरु की यह युति 30 जून तक रहेगी। इस युति के कारण आपको इस समय में कुछ मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु तो बहुत ही शुभ ग्रह हैं और शनि पाप ग्रह हैं। कभी आपको परिस्थितियां प्रतिकूल नज़र आएंगी और कभी अचानक से अनुकूल नज़र आएंगी, क्योंकि मकर राशि में शनि व गुरु की यह युति बहुत ही लंबे समय के बाद बन रही है। और जब भी यह स्थिति आती है तब आपको देश को एक बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ता है। शनि भी अपनी राशि में 30 साल बाद में आते हैं। शनि व गुरु की है युति नवम भाव में हो रही है, जिसके कारक भी गुरु हैं। यह भाव आपके पिता का, उच्च शिक्षा का, विदेश का व अध्यात्म का भाव भी है। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके लगन पर, आपके पराक्रम भाव पर और आपके संतान भाव पर होगी। लगन पर गुरु की दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आने देगी, किंतु युति व परिस्थिति अनुसार आपको सावधान रहना चाहिए। भाई बहन से संबंध आपके मिले जुले रहेंगे। आपके साहस में वृद्धि रहेगी। आपकी शिक्षा के संबंध में आपकी शिक्षा छोटी मोटी रुकावटों के बाद भी जारी रहेगी। खास बात यह है कि मंगल भी 22 मार्च से शनि के साथ उच्च के होकर युति बनाकर बैठे हैं। मंगल व शनि की यह युति 4 मई तक बनी रहेगी। मंगल का प्रभाव हमें अचानक से ही देखने को मिलता है। 30 मार्च से हो रही शनि गुरु की युति के प्रभावों को मंगल तुरंत एक्शन में ला देंगे और अग्नि कारक होने के कारण इनके प्रभावों में हमें उग्रता ही देखने को मिलेगी। 30 मार्च से 4 मई तक आपके नवम भाव में 3 ग्रहों की युति बनेगी, एक स्वराशि का, एक नीच राशि का और एक उच्च राशि का। 4 मई को मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपके दशम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं। मंगल 7वें व 12वें भाव के स्वामी हैं। आपको जीवन साथी की बिजनेस में हेल्प मिल सकती है या आपके ऑफिस के कार्यों में आपका जीवन साथी की आपको सपोर्ट मिल सकती है। आप दोनों सेम फील्ड के भी हो सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप पर कार्यभार बढ़ भी सकता है। आपको कोई विदेश संबंधी कार्यभार भी सौंपा जा सकता है। इस समय खर्चे की थोड़ी अधिकता भी रह सकती है। सरकारी कार्य इस समय में होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। सूर्य आपकी राशि में 1 मई से 14 मई तक मेष राशि में उच्च के होकर आपके 12वें भाव में रहेंगे। इस समय में कोई भी विदेश यात्रा संबंधी प्रोग्राम रद्द कर दें, अन्यथा उसमें कोई ना कोई अड़चन अवश्य आ सकती है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का भाव होता है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य में भी अड़चन आएगी ही आएगी। हो सके तो इस समय में उसको भी अवॉइड कर दें। 14 मई से 31 मई तक सूर्य वृष राशि में आपके लगन में होंगे। यह स्थान सूर्य का ही स्थान माना जाता है। आपको इस समय में सभी सुविधाएं व सुख साधन आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। आपका यह समय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। बुध 9 मई को वृष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके लगन में सूर्य के साथ रहकर 14 मई से 24 मई तक बुधादित्य योग भी बनाएंगे। बुध यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं। आपको इस समय में संतान व परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी इस समय में शेयर्स से भी कोई इनकम हो सकती है। वाणी आपकी इस समय में मधुर रहेगी। आपकी शिक्षा में कोई बाधा का भी योग नहीं है। आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे खफा हो सकते हैं, किंतु आप मैनेज कर लेंगे। 24 मई से बुध अपनी राशि मिथुन में आपके धन भाव में 70 दिन के लिए चले जाएंगे।
आपका यह समय हर लिहाज से बहुत अच्छा जाने वाला है। शुक्र इस समय अपनी राशि वृष में आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, अर्थात लग्नेश लगन में होगा और मालव्य योग भी बनेगा। आपको इस समय में सभी सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आप खुद को काफ़ी मेंटेन भी रखेंगे। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा चढ़ा रहेगा। आपके जीवन साथी से भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपको इस समय अपनी पत्नी से भी लाभ हो सकता है। आपका बिजनेस पार्टनर भी आपको पूरा सहयोग देगा। शुक्र का यह प्रभाव 1 अगस्त तक रहने वाला है। राहु आपके धन व वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस कारण से आपकी वाणी में बहुत तीखापन आ सकता है। इस भाव में राहु 23 सितंबर तक रहने वाले हैं। 24 मई से बुध भी 70 दिन के लिए राहु के साथ में आ जाएंगे। राहु व बुध की यह युति आपकी वाणी से अवश्य ही कुछ गलत बात निकलवा कर झगड़ा करवा सकती है। थोड़ा सा आप सावधानी रखें। साथ ही कोई स्किन संबंधी कोई समस्या भी आ सकती है। इस समय चल रही देश में जो बीमारी के कारक भी ज्योतिष के हिसाब से काफ़ी हद तक हम राहु को ही मानते हैं, इसलिए 23 सितंबर 2020 तक सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक राहु का गोचर मिथुन राशि से वृष राशि में नहीं हो जाता, तब तक देश में यह समस्या बनी रह सकती है। चंद्रमा 6-7-8 मई को आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय शुभ व नए कार्यों के लिए सही नहीं है। हो सके तो इन दिनों को नए कार्यों के लिए अवॉइड करें। इसके अलावा 10, 11, 12 मई और 19, 20 व 21 मई भी नए कार्यों के लिए सही नहीं है। और चंद्रमा इसके अलावा 24, 25, 26 मई को आपके धन भाव में रहेंगे। यह समय धन आगमन के लिए सबसे शुभ समय है। तो दोस्तों, ये था वृष लग्न के जातकों के लिए मई के महीने का हाल। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।